अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद। आप ये वीडियो पे देख रहे होंगे कि डी एंड लिखा हुआ है। डी एंड ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रैंक कॉल नहीं है, असल में ये मेरे पेज का, मेरे चैनल का डी एंड है। क्योंकि अब मुझे ये पेज की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप बोल सकते कि मैं लखपति बन गया, शायद लखपति बहुत छोटा वर्ड है, मैं करोड़पति बन गया या फिर मैं अरबपति बन गया। अगर अरबपति, करोड़पति, लखपति से भी कोई बड़ा नंबर है ना, तो आज मैं वो बन गया, मैं बहुत अमीर बन गया। अगर आप भी अमीर बनना चाहते तो आगे की वीडियो सुन लो। कुछ लगभग 4 महीने पहले की बात है, मैं एक प्रैंक कॉल वीडियो बनाया, अच्छे से एडिट किया और उसको अपने फ़ोन में मूव किया, और मैं सुना, अपने फ्रेंड्स को भी सुनाया, सब हंसने लगे, बोले बहुत फ़नी है, बहुत फ़नी है। तो मैं बोला चलो एक पेज बनाते हैं फेसबुक पे, उस पर अपलोड करेंगे। तो पेज बनाया फेसबुक पे और सोच रहा था नाम क्या रखूं, मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा नाम सोचने के लिए। रेडियो मिर्ची बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं मिर्ची हटा के हल्दी रख दिया और रेडियो हल्दी के नाम से मैं पेज बना के फेसबुक पे अपलोड कर दिया वीडियो। कुछ ही दिन में 46,000 प्लस अराउंड 50,000 कुछ व्यूज़ हो गए और बहुत ज़्यादा शेयर होने लगे, बहुत कमेंट्स आने लगे। कमेंट्स देख के मैं हंसता था, लोग अजीब अजीब से कमेंट करते थे, सबको टैग कर रहे थे, खुशी होती थी मेरे को। फिर शाम में मेरे को थोड़ी देर के बाद फिर एक कॉल आया, तो उसने बोले अरे वो आरजे उमर तू है? तो मैं बोला हाँ मैं हूँ। तो बोले अरे क्या वीडियो है, हम लोग पूरा सुन के हंसने लगे। तो मेरे को भी हंसी आ गई, खुश होने लगा मैं। थोड़ी देर में ना शाम तक लगभग मेरे को 5-6 कॉल आ गए, सबके कॉल आ रहे ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। मैं बोला अरे भाई वो तो बैठे बैठे फेमस हो गया, तो आई वॉज फीलिंग लाइक सेलिब्रिटी, मतलब सच में मजा आ रहा था सुन के। तो मैं बोला, घर जाते जाते मैं ऑफिस में था वो टाइम पे, मैं घर जाते जाते मैं सोचा कि एक ही वीडियो में इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना अच्छा है, मतलब और एक वीडियो बनाएंगे। शाम में मेरे को एक दोस्त का फोन आया, बोले भाई आरजे उमर वो तू ही बनाया वीडियो? तो मैं हाँ मैं बनाया। बोले अरे बहुत फनी है, मेरे घर में सब जने सुन के हंस रहे। तो वो बंदा मेरे को बोला कि भाई तुम यूट्यूब पे ना एक चैनल बना लो, तुम यूट्यूब पे रजिस्टर करो, फ्री में रजिस्टर होता और तुम इससे पैसे भी कमा सकते, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा व्यूज है, अगर तुम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे ना ये वीडियो तो तुमको पैसे मिलेंगे। मैं बोला अरे वाह भाई, नहीं की और पूछ पूछ, मस्करापना का मस्करापना हो जा रहा, टाइम पास हो जा रहा, फेमस भी हो जा रहे बैठे बैठे और पैसे भी आ जा रहे, मतलब बनाओ भाई चैनल। तो फिर नए नए कॉन्सेप्ट सोचने लगा मैं, बहुत सारे कॉल करने पड़ते थे, कितने सारे प्रैंक कॉल करने के बाद में एक आध कॉल थोड़ा फनी लगता था, तो उसको एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करता था मैं, लोग हंसते थे, मजा करते थे, बहुत सारे व्यूज हो रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, अच्छा लगता था सुन सुन के। एक बार ऐसा हो गया कि मैं बैठा हुआ था और एक मौलाना का बयान चल रहा था, तो मैं सुना वो बयान। बयान में मौलाना फरमाते हैं, एक शख्स आकर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, आपका उम्मती मुसलमान क्या शराबी हो सकता है? नबी ने जवाब दिया हाँ हो सकता है। आपका उम्मती मुसलमान क्या बुज़दिल हो सकता है? नबी ने कहा हो सकता है। बंदे ने पूछा आपका उम्मती मुसलमान फला 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 ये ढेर सारे गुनाह कर सकता है? नबी ने कहा कर सकता है। बंदे ने पूछा आपका उम्मती क्या झूठ बोल सकता है? नबी ने कहा नहीं। अगर मेरा है तो दो चीजें नहीं करेगा, एक तो झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत गुनाह कर सकती है मगर झूठ नहीं बोलेंगी, धोखा नहीं देंगी। अगर झूठ बोलने वाली है या धोखा देने वाली है तो मेरी उम्मत से खारिज है। नबी ने यह नहीं फरमाया हज नहीं करने पर मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा। नबी ने यह नहीं फरमाया नमाज नहीं पढ़ने पर मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा। नबी ने यह नहीं फरमाया शराब पीने पर मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा। नबी ने यह भी नहीं फरमाया कि जीना करने पर मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा। नबी ने यह फरमाया झूठ बोलने पर, धोखा देने पर मेरी उम्मत से खारिज हो जाएगा। बस यही सुनना बाकी था। जैसा मैं सुना मेरे मन में एक सेकेंड में आया, जिस झूठ को मैं एक अच्छा सा लिबास पहना के प्रैंक का नाम दे रहा हूँ वो अंदर से तो झूठ ही है। मैं झूठ सोच रहा हूँ, झूठ बना रहा हूँ, झूठ सुना रहा हूँ और लोग भी ये झूठ फैलाने में मेरा साथ दे रहे, उसे शेयर कर रहे, उसे लोगों को सेंड कर रहे और फैला रहे। मुझे ये सोच के बहुत बुरा लगा, जो इंसान अपने नबी का नहीं हो सकता तो वो खुदा का कैसे होएगा? अगर ये काम करने से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो क्या फ़ायदा ये पैसों का? अगर ये काम करने से मेरे को फेम मिल रहा, लोग मुझे जान रहे, तो क्या फ़ायदा ये फेम का? वही दिन मैं अपने आप से एक वादा किया कि इंशाल्लाह मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, भले मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए झूठ बोलने से, मगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा बहुत बार होता है कि नुकसान होने वाला रहता है इसलिए अपन झूठ बोल देते हैं, तो छोटा सा झूठ है, कुछ भी नहीं होता, मगर झूठ बोलने से क्या होता सुने ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना कंप्लीट हो गया और
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान पे झूठ नहीं आया, मैं किसी को धोखा नहीं दिया। वैसे काफ़ी मुश्किल है झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हमारी सुबह झूठ से होती है, शाम झूठ से होती है, छोटी छोटी बातों पे, मजाक में, दोस्तों से, कोई भी बातों में झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक फ्रूट बेचने वाले को एग्जांपल ले लो, उसको पता होता है कि उसको नहीं मालूम है कि ये फ्रूट मीठा है, ये फ्रूट खट्टा है, ये अंदर से सड़ा हुआ है, कुछ नहीं, मगर बोलेगा एवन है, एकदम मीठा है, मिश्री है, लेके जाओ लेके जाओ। अब उसको पता ही नहीं है कि मीठा है ये, खराब है, कैसा है, मगर वो बोलेगा। 2 रुपए कमाने के लिए, हम सिर्फ 2 रुपए कमाने के लिए अपनी जन्नत का सौदा कर देते, बहुत गलत है। बोलो 2 रुपए बढ़े या जन्नत बढ़ी, चलो जन्नत दूर की बात है, अल्लाह से प्यार है ना, इसलिए अल्लाह की बातें फॉलो करते। लालच नहीं है कि जन्नत मिलेंगी इसलिए कर रहे, एक मोहब्बत है अल्लाह से, डर है अल्लाह का, खौफ है दिल में। आजकल लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड के बोलने पर सिगरेट पीना बंद कर देते। अगर गर्लफ्रेंड एक बार बोल दी कि ब्लू कलर आप पे सूट नहीं करता, तो बंदे ब्लू कलर पहनना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि प्यार है, एक मोहब्बत है, जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम नाराज नहीं देख सकते। तो हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए कितनी, ये तो हम जानते हैं। हमारा दुनिया में आने का मकसद तो अल्लाह की इबादत है, और हम छोटी छोटी बातों को फॉलो नहीं करके अल्लाह को नाराज कर देते। और भले आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप कोई भी हो, मगर झूठ बोलने से किसी का फायदा नहीं होता। अगर आज आपका फायदा हो गया तो किसी और का नुकसान हो जाता, फिर कल आपका भी नुकसान हो जाता। एक झूठ बोल के उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोल देते हम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे दिमाग में बात आई कि लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जबान से कोई झूठ नहीं निकला। एंड ट्रस्ट मी, आई एम रियली फीलिंग लाइक रिच मैन, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा, कल के दिन अगर लाइफ में मुझे सक्सेस मिलती है, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता हूँ, बहुत सारे पैसे कमा लेता हूँ, मगर ट्रस्ट मी, वो दिन मेरे को इतनी खुशी नहीं मिलेंगी, ऑनेस्टली इतनी खुशी नहीं मिलेंगी जो मेरे को खुशी अभी फील हो रही है। पैसे ना सबकी लाइफ में आते हैं, एक बार मेरी लाइफ में भी आएंगे, मैं भी कमा लूंगा, मगर ये बात नहीं आएंगी वो खुशी में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये कॉल रिकॉर्ड किया कि मेरा फायदा हो रहा है तो किसी और का भी हो जाए। गाइस आई एम टेलिंग यू, इट्स रियली इजी, एक बार ट्राई करो। अगर एक दिन आप झूठ नहीं बोलेंगे तो शाम में सोते टाइम पे आप सीरियसली गर्व फील करेंगे कि आज का दिन मेरा अच्छा गया। आप हक से बोल सकते हैं कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा गया। और ये कॉल रिकॉर्ड करने का एक और एक मकसद है कि मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सबका लाइक है मेरे पेज पे, जैसा मैं अपलोड करूंगा जाहिर है ये सब सुनेंगे, कभी भी मेरी जबान से झूठ लिख लेंगे तो मेरे को याद दिलाएंगे, अच्छा वो वीडियो में तो ऐसा बोला था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अब झूठ बोल रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज ट्राई करो कि झूठ ना बोले, बहुत अच्छी चीज है, अच्छा फील होएगा। और अगर आप मेरे इससे पहले के सारे वीडियो देखे हैं तो आप नोट करेंगे कोई बात कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो में नहीं बोला कि लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, कभी कभी मैं कुछ नहीं बोला, बट मैं आज सबको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज इफ यू लाइक दिस मैसेज प्लीज शेयर इट, प्लीज सेंड टू योर फ्रेंड, बिकॉज आई गेस कि इसमें मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, और अच्छी बात फैलाना नहीं की है।